नमस्कार। पिछले दो वीडियोस से हम लगातार जॉइंट्स पे चर्चा करते जा रहे हैं। एक सामने आपको दिखाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे जो है वो एक स्ट्रेट जॉइंट है और राइट हैंड साइड में एक टी जॉइंट है। सर ने बड़ी खूबसूरती के साथ हमको ये भी समझाया कि किस तरीके से स्ट्रेट जॉइंट की आवश्यकता होती है और ये कितना मजबूत होना चाहिए और जॉइंट बनाने के लिए हमें इतनी मेहनत करने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि जॉइंट की उपयोगिता के बारे में भी सर ने बताया। अभी इसी जॉइंट पर हम आगे चर्चा करेंगे कि इस जॉइंट पे आगे और क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या इसमें सोल्डरिंग की आवश्यकता होती है और टेपिंग वगैरह की भी जरूरत होती है, क्या सर से इस पे चर्चा करते हैं। तो आइए सर शुरुआत करें। देखिए, अपन ने एक तो टी जॉइंट बनाया है और एक स्ट्रेट जॉइंट बनाया है। वैसे भी अपन ने इसमें इतनी ताकत से, इतनी तरीके से, सफाई से क्या किया है, टी जॉइंट भी किया है ना, स्ट्रेट जॉइंट भी किया है। लेकिन अगर अपन चाहें, है ना, तो इसके ऊपर अपन क्या कर सकते हैं, सोल्डरिंग भी कर सकते हैं। सोल्डरिंग कर देने से बाय चांस कभी वीक पॉइंट है या लीकेज है, कहीं से गैप है, तो वो भी गैप क्या हो जाता है, कवर हो जाता है और वो जॉइंट फिर पावरफुल हो जाता है। और जैसे वो जॉइंट करने के कारण ऐसा कि जैसे कहीं से कोई तार अगर टूटा भी हुआ है तो अपन अगर सोल्डिंग कर देंगे तो उसकी भी अपन को जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो फिर पक्का ज्वाइंट हो जाता है जिसको अपन बोलते हैं। तो सोल्डिंग आई अपन देखते हैं कैसे करते हैं, किस तरीके से। तो अपन दोनों ज्वाइंटों में, टी ज्वाइंट पर भी और स्ट्रेट ज्वाइंट पर भी अपन सोल्डिंग करेंगे। और सोल्डिंग के लिए क्या क्या चीजें लगेंगी वो अपन पहले भी बता चुके हैं। इसके पहले एक बार और अपन जब इसके ऊपर क्या करेंगे, सोल्डिंग करेंगे। सोल्डिंग करने से पहले इस पर जो कार्बन आर्बन रहता है वो अपन क्या करेंगे, एमरी पेपर से साफ कर देने से जो सोल्डर होता है वो बहुत जल्दी इसमें क्या करता है, पकड़ करता है और तरीके से सोल्डिंग इसको बढ़िया अपन को तब तक घिसना है तब तक इसमें चमक आना जाए, है ना। चमक आने से क्या हो जाएगा, अंदर का ऊपर का जो कार्बन है पॉलिश खत्म हो जाएगा और जो कॉपर है वो अपन को दिखाई देगा। ठीक है, सोल्डरिंग करना क्या होता है? सोल्डरिंग करने मतलब ये रहता है कि इससे जो ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट अपन को लीकेज करंट नहीं देगा, दूसरी बात स्पार्किंग नहीं। सोल्डरिंग मतलब होता है जो रांगे से अपन कहिए से जो इसमें पेस्ट वो करेंगे सोल्ड, उसको अपन सोल्डरिंग बोलेंगे। अच्छा, ज्वाइंट बनाने, हाँ, गैप को खत्म करने के लिए ऐसी टी जॉइंट पर भी अपन एमरी पेपर से इसको साफ करेंगे। ठीक है जी, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। इसको साफ करने के बाद इसके ऊपर जब अपन सोल्डिंग करेंगे तो जी मेरे पास यहाँ पेस्ट रखा हुआ है, दिखाई दे रहा है। इस पेस्ट को भी अपन क्या करेंगे, वायरों में लगा के, है ना। इस पेस्ट का काम क्या रहता है, जो रांगा लगाएंगे ना उस रांगे को पिघलाने में मदद करता है, बहुत जल्दी इसको क्या कर देता है, सोल्ड कर देता है और ज्वाइंट को मजबूत कर देता है जी। इसको इस तरीके से चारों साइड लगाना है, ठीक है ना जी। अपन यहाँ भी लगाएंगे, इस टी वाले ज्वाइंट पर भी अपन पेस्ट को लगा देते हैं, ठीक है ना। और जहां पर अपन को सोल्डिंग करना है वहां पर, ऐसा नहीं कि पूरे वायर के ऊपर अपन को पेस्ट लगाना है, है ना। ये ग्रीस की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ग्रीस नहीं है, ये ग्रीस नहीं है लेकिन, है ना। चलिए, अब अपन इसमें पेस्ट लगा दिए है। यहाँ पर अपने पास सोल्डर वायर रखा हुआ है, ठीक है। और सोल्डर वायर के साथ साथ यहाँ पर अपने पास आयरन रखी है जो अभी मैंने चालू की है इसको पावर प्लग से। अपन जब सोल्डिंग करते हैं तो सोल्डिंग की जो बिट होती है इसको अपन बिट बोलते हैं। इस बिट में क्या होना चाहिए, कार्बन नहीं होना चाहिए। कार्बन होने से यहाँ पर नहीं होगी तो अपने पास या तो एमरी पेपर या फाइल से, यदि अपने पास एमरी पेपर टाइप ग्राइंड टाइप का क्या रहता है, पत्थर रहता है, उससे अपन इसको कार्बन जो रहता है जो पॉइंट इसको रगड़ देंगे। कार्बन क्या होता है सर? कार्बन मतलब होता है ऊपर, मतलब कार्बन जो ऊपर से कोई भी चीज गंदगी आ जाती है, अपन सोल्डिंग करते हैं ना, या ऊपर से कोई चिप आ जाए, काला कपन आ जाए, उसमें क्या होता है, वो इसका जो बिट होती है वो कॉपर की होती है और वो बिट में अगर ऊपर से कार्बन आर्बन आ जाता तो इसके कारण सोल्डिंग नहीं होता। इसलिए अपन इसको क्या कर देते हैं, एमरी पेपर से भी इसको साफ कर सकते, देखिए आप। और सोल्डिंग का मतलब है जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, किसका टेम्परेचर, अपना जो कॉपर वायर है और इस सोल्डिंग आयरन का, जब टेम्परेचर बराबर हो जाएगा उस कंडीशन में अपन लगाते सोल्डर वायर तो वो क्या होता है, पिघलना चालू हो जाता है। देखिए आप इसको जी, मतलब है ना, आयरन अपनी काम कर रही, हीट हो रही है। अब आप देखिएगा, मैं इस पर रखूंगा यहाँ पर, और एक समय जब ये दोनों वायर गर्म हो जाएंगे, इसका टेम्परेचर और इसका कंडक्टर का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तो अपन इसको रखेंगे ना तो जी पिघलना क्या हो जाएगा, सोल्डिंग होनी चालू हो जाएगी, है ना जी। और जब अपन सोल्डिंग करते हैं तो उस पर भी अपन को ये ध्यान रखना है कि सर का हाथ सामने आ गया है,
क्या हैवी वायर है, हैवी वायर के लिए भी इसको क्या होता थोड़ी सा गर्म होने में टाइम लगता है। जब ये गर्म हो जाएगा प्रॉपर, तो हमने बोला ना एक जगह भी आप रखे रहोगे तो ये देखो जी अपने आप पिघलना चालू हो जाएगा रांगा। जी देखो मैं वहां पर रखा हुआ हूँ लेकिन यहाँ पर रांगा पेस्ट होना चालू हो जाता है। सोल्डरिंग वायर को आप रांगा भी बोलते हैं? रांगा भी बोलते हैं अपन, है ना। इसको सर का हाथ से सामने आ गया, जी देखो अभी क्लियर दिखना चालू हुआ है। जी मेरे हाथ में जो रांगा है एक हाथ में आयरन है ना, ये देखिए। और अपन जब सोल्डिंग करते तो इसका ये भी ध्यान रहे कि इसमें ना नोक वोक नहीं निकलना चाहिए, एकदम बिल्कुल प्रॉपर सफाई होनी चाहिए। अगर वो अपन क्या होते नोक निकल जाएगी या चिप टाइप की रहेगी, तो उसमें अपन जब ऊपर इसके ऊपर क्या टेप लपेटते हैं तो उससे वो क्या होता है ऊपर निकल आएगा तो शॉर्ट आउट सर्किट का भी चांस रहेगा। जिसके लिए अपन ये देखिए इसको अपन बोलते हैं, जी देखिए आपको बिल्कुल प्रॉपर इस तरीके से कहीं से भी इस जे ना, तो जे तो हुई स्ट्रेट जॉइंट पर अपन ने सोल्डिंग की। आपको एक बार मैं उठा के भी दिखा देता हूँ, पूरी चमक आ रही है आपको जे, ठीक है ना। अगर कहीं रह भी जाता तो अपन इसको गैप, लेकिन देखो अपन ने जब सोल्डिंग की तो कितनी सफाई से की है कि कहीं भी इसमें जर्क नहीं, एकदम गैप नहीं है ना। इसी तरीके से अपन टी ज्वाइंट पर भी करेंगे, है ना, दिखाई दे रहा है उसमें जी। इसको भी अपन रांगल पढ़ा के इसको थोड़ी देर इस पर रखिएगा आप, जब दोनों का हमने बताया टेम्परेचर बराबर होता तभी ये रांगा पिघलना इसमें चालू होता है। जो टी ज्वाइंट है अपन ने इसके पहले स्ट्रेट ज्वाइंट में सोल्डिंग की थी, अब अपन इसमें कर रहे हैं किसमें टी ज्वाइंट में, और जहां गैप रहता वहां पर इसको प्रॉपर रांगे को कंप्लीट होना चाहिए, भर जाना चाहिए उस जगह को गैप को। जी देखिएगा और सोल्डिंग में बहुत सफाई की जरूरत है अपन को। जी है ना, इस तरीके से मैं एक बार फिर आपको ऊपर उठा के भी दिखा दे रहा हूँ कि ये देखो जो शाइनिंग एकदम है ना एल्युमिनियम टाइप की, ये रांगे का कलर है और जो कापर है वो तांबे का कलर है जिस पर अपन ने सोल्डिंग की है। और सोल्डिंग करने के बाद इसको अपन आयरन को चारों साइड क्या करना है घुमाना है ताकि कहीं भी जो रबे अबे ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं वो क्या हो जाएंगे एकदम पेस्ट हो जाएंगे इसमें। इसको अपन शायद और थोड़ा सा रह गया है, थोड़ी सा और अपन उसमें आयरन डाल देते हैं रांगे को। क्या होता है हैवी जॉइंट रहते हैं इस पर अपन को और ज्यादा, ये देखिए आपको पूरा गैप जो अभी अपन को यहाँ खाली दिखाई दे रहा था अपन उसको गर्म करके और फैला दिया। तो इस तरीके से अपन कर देते हैं सोल्डिंग। जब सोल्डिंग हो जाएगी तो अब जो ज्वाइंट ओपन वायर है ना, हमने बताया था इसके पहले वीडियो में कि इंसुलेटर क्यों जरूरी, क्योंकि जो ओपन वायर रहेगा तो अपन को करंट अरेंट लगने का भी डर रहेगा। उसके लिए अपन इसको क्या करेंगे पूरे ज्वाइंटों को टेप की सहायता से टेपिंग कर देते हैं, ठीक है। तो अपने पास टेप है, क्या है काला काला जी, टेप है अपने पास, है ना। हाँ ये हमने शायद पिछले वीडियो में भी कुछ इसके बारे में जाना था। हाँ इस टेप को अपन को देखो थोड़ी सा दूर से एकदम यहीं से नहीं यहाँ से अपन लेंगे ताकि भाई जान ये खिसकता भी। बाजार में अगर खरीदना है तो क्या क्या बोल के लेते हैं ये जो टेप है? इसको कई लोग कई नामों से जानते हैं ना, कोई पीवीसी टेप वो भी टेप बोल, सेलो टेप भी बोलता है ना, इंसुलेशन और कई उपयोग। हाँ इसका इलेक्ट्रिक में तो सबसे ज्यादा इसी तार का यूज होता है। इसको प्रॉपर अपन लपेटते चले जाएंगे, ठीक है ना। और जे इस तरीके से अपन को कहीं से भी जे ओपन वायर अपन को दिखाई ना दे इसके लिए अपन इस टेप का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक, ठीक है जी। देखो मैं दिखाता चला जा रहा हूँ आपको जी, है ना। और थोड़ी सा अपन को आगे आना है करीबन आधा से एक इंच तक ऊपर, आप इंसुलेटर वाले तार के ऊपर आइएगा, ठीक है। जब यहाँ पर हो जाएगा तो अपन इसी के यहाँ पर आ जाएंगे, जितना ज्यादा आप लपेट सकते हो उतना अच्छा रहेगा। इसमें अपन को थोड़ी सा वो नहीं करना कि जरा सा लपेट दिया हो गया, क्योंकि ये अपन को बहुत सुरक्षा भी देता है,
इसलिए अपन इसको प्रॉपर यहाँ लपेटते चले जाएंगे। जी देखिए तो जी अपन ने अभी वो इसीलिए आप गैप को अच्छे से भर रहे थे और नोक नहीं निकलने दे रहे थे, कहीं टेप फट अपन टेप हाँ अगर मान लो उसमें नोक वोक रहती अपन टेप लपेटते तो ऊपर से फट जाती, और फट जाने से कई बार क्या रहता अपन हाथ हाथ लगता है ना उसके कारण करंट लगने। जी अपन ने इसको टी ज्वाइंट में क्लियर कर दिया है इसी तरीके से अपन को। जी अब आप इसको बढ़िया हाथ से एक बार और घुमा सकते ताकि ये बराबर चिपक जाएगा खिसकेगा नहीं। जे अब इसको अपन कहीं भी पकड़ भी लेंगे सप्लाई भी देंगे तो अपन को करंट अरेंट नहीं लगेगा, इसी कारण से स्ट्रेट ज्वाइंट पर भी अपन यहाँ पर जे टेपिंग कर देंगे। यहाँ भी अपन ने थोड़ी सा आगे से लेके इसके बाद चारों साइड इस पर अपन लपेटते चले आएंगे। जे ये देखो आगे बढ़ना और एकदम टाइट लपेटना है, इसको लूज भी नहीं रहना चाहिए टेप को भी। ये देखने में आपको आसान लग रहा है टेपिंग करना, लेकिन ये भी है थोड़ा ये सभी हुए हाथ हैं इसलिए बड़े आसान ऐसे अपन को करते चलना है और आगे अपन को बढ़ते चलना है। और हमने बताया जब अपन यहाँ आएंगे तो थोड़ी सा इसके ऊपर एक दो इंच ऊपर जो इंसुलेटेड वायर है उसके ऊपर आके अपन उसको लास्ट करना है ना। इसको लिया और एक बार और अपन ने हाथ से इसको टाइट कर दिए ताकि कहीं से भी लीकी की गुंजाइश न बने। तो इस तरीके से अपन टी ज्वाइंट स्ट्रेट ज्वाइंट सोल्डिंग सोल्डिंग के बाद उसके ऊपर इंसुलेशन टेप लपेट देंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से ये ज्वाइंट्स पे जो हमारे वीडियोस आप लोगों ने देखे ये ज्वाइंट्स के वीडियो इस पर समाप्त होते हैं। इन सभी वीडियो में आपने जाना होगा कि ज्वाइंट्स हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसमें हमने स्ट्रेट और टी ज्वाइंट्स बनाए, फिर उसके बाद उस पर सोल्डिंग की और अंत में टेप किया। और भी वीडियोस आपके सामने इलेक्ट्रिकल में अभी प्रस्तुत होते रहेंगे, आप इंतजार कीजिए। धन्यवाद।